प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की मौत का यह मामला है। इस मामले में सुसाइड नोट सामने आ चुका है और इस सुसाइड नोट में तीन लोगों के नाम शामिल हैं। इनमें से एक है महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है। हरिद्वार से पुलिस ने आनंद गिरी को हिरासत में लिया। इसके अलावा संदीप और आद्या तिवारी का नाम भी सुसाइड नोट में शामिल है। मंदिर के मुख्य पुजारी हैं आद्या तिवारी और संदीप तिवारी। बताया जाता है संदीप तिवारी फरार है, तलाश जारी है। तो देखिए, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी फरार चल रखे हैं, पुलिस इनकी तलाश कर रखी है। महंत नरेंद्र गिरी का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। एक सुसाइड नोट बरामद किया गया। सुसाइड नोट में तीन नाम सामने आए हैं। एक महंत नरेंद्र गिरी का शिष्य है, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कुल तीन लोगों के नाम इस सुसाइड नोट में बताए जाते हैं। आपको बता दें कि शिष्य आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन आनंद गिरी ने हिरासत में लिए जाने से पहले शक जाहिर किया, कुछ और लोगों का नाम लिया। वो बयान भी आपको सुनवाएंगे। तो संपत्ति और पैसों को लेकर महंत नरेंद्र गिरी और आरोपी आनंद गिरी में एक विवाद हुआ था। नरेंद्र गिरी ने दिखाया था आनंद गिरी को अखाड़े से बाहर का रास्ता और बाद में दबाव के चलते आनंद गिरी को अखाड़े में वापस भी ले लिया गया था। बावजूद इसके दोनों के बीच का यह विवाद थम नहीं रहा था। नरेंद्र गिरी इस वजह से काफी परेशान बताए जाते थे। अखाड़े के कुछ साधु संतों का आनंद गिरी को सपोर्ट करना एक वजह बताया जाता है। तो महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद अब पुलिस का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले यूपी पुलिस का क्या कुछ कहना है ये सुन लीजिए। कि महाराज जो है रस्सी पे फंदे पे लटक गए हैं। मैंने पूछा कहाँ है महाराज, तो कहें कि वो जल्दी हम लोगों ने काट के उनको उतार दिया है। यहाँ हम लोग जब आए तो देखे कि महाराज को जमीन पे लेटे हुए थे और रस्सी फंसी हुई थी और फैन में रस्सी लटकी हुई थी और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस बात की और हम लोगों को प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि ये आत्महत्या है और उनका सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने पूरी बात अपने आश्रम के बारे में क्या करना है एक तरह से अपना वसीयतनामा लिखा है। और ये दुखद है, हम आप सभी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि शांति बनाए। एक जो हमारे प्रयाग की शान थे, पूरे भारत के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, उनकी दुखद मृत्यु हुई है। हमें इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं और जो होगा आगे हम विवेचना से जो होगा हम आगे की कार्यवाही करेंगे। और इस संकट की घड़ी में मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आप लोग शांति बनाएं और महाराज का जो हम लोगों को लीगल कार्यवाही उसे करने में सहयोग करें। जिस नोट में क्या लिखा था, जिस सुसाइड नोट में उन्होंने पूरा अपना वसीयत की तरह लिखा है कि वो किसको क्या देंगे, कैसे क्या करेंगे, किसका ध्यान रखना, हमारे शिष्यों का ध्यान रखना, ये सारी बातें उन्होंने लिखी है। कोई संदेह जताया है, कोई उन्होंने अभी हम पढ़ रहे हैं, उसको अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने आत्महत्या की लिखा है कि मैंने आत्महत्या की और वो किसी अपने शिष्य से दुखी थे, जिसके बारे में उन्होंने ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है। आप लोगों की जांच पड़ताल में क्या बात सामने आ रही है? तो अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, मैंने आपको बता दिया। प्राइवेट कमरे में मिला था सर? नहीं, उनके जो गेस्ट हाउस है जहाँ वो रात में नीचे दिन में रहते हैं, उस कमरे में फैन से लटका हुआ था। ये लगभग सूचना 5:20-5:25 से आनंद गिरी का नाम जिक्र किया उन्होंने जी, उन्होंने अपने कुछ लोगों का जिक्र किया है और भी अपने शिष्यों का जो उन्होंने अच्छा किया सबके बारे में। आनंद गिरी का नाम जी उसमें भी उनका भी नाम है, लेकिन अभी हम विवेचना कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे कारणों से दुखी थे और जिसलिए वो आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने ये लिखा कि मैं सम्मान से जिया और मैं सम्मान के बिना नहीं रह सकता, मैं क्या करूंगा, कैसे रहूंगा, मैं बार बार लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तो ये सारे की बातें उन्होंने बहुत ही मार्मिक चीज़ें लिखी हैं, लेकिन इस परेशानी की घड़ी में, दुखद घड़ी में, इतने बड़े संत थे और पूरे प्रयाग की शान थे, वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, तो इसलिए उनको
किसको अपनी गलती किसी को सौंपने की बात भी। और अभी लेटर फोरेंसिक जांच के बाद ही हम रिलीज करेंगे क्योंकि किसने लिखा है क्या लिखा है अभी हम फोरेंसिक उसकी कर रहे हैं, लेकिन जो लिखा है उसको लोगों ने पहचान रहे हैं कि वो हैंड राइटिंग है। अंदर से बंद था या खोला? जी बंद था, बंद था। तो साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी अब हमारे बीच नहीं रखे। प्रयागराज के भागमभरी मठ से महंत गिरी का शव बरामद किया गया है। एक रिपोर्ट देखिए। सोमवार शाम को एक ऐसी खबर सामने आई जिससे देश भर के साधु संतों में शोक की लहर दौड़ गई। यूपी से लेकर उत्तराखंड में मातम का माहौल पसर गया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का निधन हो गया। प्रयागराज के भागमभरी मठ से उनका शव बरामद किया गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक उनका शव एक पंखे से लटका हुआ मिला है और पुलिस को कमरे के दरवाजे भी चारों तरफ से बंद मिले हैं। साथ ही एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया। महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में अपने शिष्य आनंद गिरी को जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद पुलिस ने आनंद गिरी को उत्तराखंड के हरिद्वार से गिरफ्त में ले लिया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी ने आत्महत्या कर ली है। ये सूचना उनके शिष्य के द्वारा दी गई, जिस पर तात्कालिक रूप से आईजी तथा अन्य लोगों ने मौके पर जाकर इसका परीक्षण किया। मौके पे से यह बताया गया है कि दरवाज़ा पूर्व में बंद था। अमूमन 3:30 से 4 बजे के बीच महंत जी खुद निकलते थे। जब वो नहीं निकले हैं तो उनके शिष्यों ने दरवाज़ा खटखटाया है, और दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब कोई मूवमेंट नहीं हुआ है तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा था जो कि अंदर से बंद था, और उसके उन्होंने देखा कि महंत जी का की बॉडी एक नायलॉन के धागे से लटकी हुई है पंखे से। बता दें, आनंद गिरी के साथ महंत नरेंद्र गिरी के बीच आपसी विवाद भी चल रहा था, जिसके बाद आनंद गिरी को मठ से अलग कर दिया गया था। हालांकि बाद में दोनों के बीच सुलह हो गई थी। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के, 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए, जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहां के हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो वही नरेंद्र गिरी की मौत के बाद सोशल मीडिया पर उनको श्रद्धांजलि देने वालों का जमावड़ा लग गया। पीएम मोदी से लेकर यूपी के सीएम योगी ने महंत गिरी की मौत पर दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी जी का देहावसान अत्यंत दुखद है। आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति समर्पित रहते हुए उन्होंने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रभु ने अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। तो वहीं योगी आदित्यनाथ लिखते हैं कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी का ब्रह्मलीन होना आध्यात्मिक जगत की अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल अनुयायियों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। पीएम और यूपी के सीएम के साथ साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, यूपी के डिप्टी सीएम और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबा रामदेव ने भी नरेंद्र गिरी की मौत पर शोक व्यक्त किया। एक वीर योद्धा, एक सन्यासी थे, उनका इस तरह से रहस्यमय तरीके से जाना, वो किसी भी तरह से अंतरात्मा को स्वीकार ही नहीं हो रहा है। प्रथम तो उनके जाने से जहाँ एक और सनातन संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है, वहीं पर
एक बहुत बड़ा इससे एक रहस्य सामने आ रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। बता दें पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया जिसमें उन्होंने अपनी पूरी वसीयत लिखी है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की खबर फैलने के बाद उनके भक्त मठ के बाहर जुट गए। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। तो वहीं आनंद गिरी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। न्यूज डेस्क खबरें अभी तक। तो महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि सुसाइड नोट बरामद किया गया है और ये जो सुसाइड नोट है ये किसी वसीयत की तरह भी है। और तस्वीरें आप देखिए, ये लाइव तस्वीरें हैं। अब जांच भी की जा रही है और महंत नरेंद्र गिरी के शव को फिलहाल रखा गया है। पोस्टमार्टम आज नहीं होगा, पोस्टमार्टम कल होगा। अब देखिए जांच में पुलिस जुट गई है, पूरा अखाड़ा उनके अनुयायियों से भी भर गया है। अखाड़े के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं। प्रयागराज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस को सुसाइड नोट मिला है, अब इस मामले में जांच की जा रही है। और देखिए आनंद गिरी समेत तीन के नाम इस सुसाइड नोट में बताए जाते हैं। आनंद गिरी अब पुलिस की हिरासत में है, उससे पूछताछ हो रही है। वही महंत नरेंद्र गिरी का कल पोस्टमार्टम होगा, फिलहाल उनके शव को संभाल कर रखा गया है। तस्वीरें आप देखिए, शव की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। उनके शव को वातानुकूलित कमरे में रखा गया है और आपको बता दें कि उनका जो शव है वो एक कमरे से बरामद किया गया है जहां पर उनका शव फांसी के फंदे से लटका हुआ था। पुलिस को फोन किया गया, पुलिस को बताया गया और पुलिस ने जब पूछा कि क्या शव को उतार लिया गया है तो यही जानकारी पुलिस को दी गई थी कि शव को उतार लिया गया है। तस्वीरें आप देखिए, शव भी अब पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन आज पोस्टमार्टम नहीं होगा, पोस्टमार्टम कल होगा और कल ही के दिन अंतिम संस्कार विधि विधान से किया जाएगा। सुसाइड नोट को लेकर अब पुलिस जांच में जुट गई है। तीन ऐसे नाम है जो सुसाइड नोट में लिखे हुए हैं। जांच की अभी कुछ नहीं कर सकते, जब जांच होने के बाद ही पता चलेगा ना पूरी बात। जी क्या कहेंगे, क्या क्या एक्सक्लूसिव जानकारी आपके पास? डॉक्टर साहब आप फॉरेंसिक टीम से हैं, तो कितने सदस्य आए आप? और कितने लोग हैं? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, हम लोग केवल एविडेंस कलेक्ट किए हैं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी अभी कुछ नहीं कर सकते, कुछ अभी कुछ नहीं, जब तक जांच पूरी न हो जाए कुछ। लग गई है, पुलिस मौके पर मौजूद है, जांच की जा रही है, फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई है। और देखिए धुंधली सी इस तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, महंत नरेंद्र गिरी का शव इस तस्वीर में नजर आ रहा है। यही वो कमरा है जहां पर उनका शव फांसी के फंदे से लटका मिला था।